यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार शराब के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसी के चलते कोतवाली गोला कस्बे में दुर्गा मंदिर के पास खुली शराब की दुकान से मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब दुकान बंद नहीं की गई, तब लोगों ने पुजारी के साथ मिलकर मंदिर में ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। इससे वहां हड़कंप मच गया। वही अधिकारी और भाजपा के लोग मंदिर खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान यहां से हट जाए, जो कि कोर्ट का भी नियम है, इसके अतिरिक्त कोई समझौता नहीं होगा। ये पड़ोस में शराब का खोखा रखा था, इसको लेके मोहल्ले में नाराजगी थी। लोग शराब पी के जूठे पत्ता अंडे के पत्ते पर खाते, अंडे फेंक देते, गिलास तोड़ देते, शराब पी के गाली गलौज यहां करते थे। इससे यहां थोड़ा माहौल खराब था, इसको लेके पुजारी और मोहल्ले वासियों ने ये मंदिर बंद किया था। आके हम लोगों ने अनुरोध किया और पूजा पाठ चालू हो रहा, भोग भी लगेगा, आरती होगी, मंदिर विधिवत खुलेगा। क्या इस मामले में आपने प्रशासन के अधिकारियों से बात की? अभी हाँ, सोशल मीडिया पर जब आई जानकारी तो मैंने SDM साहब से और HSO बोला से बात की और प्रशासन के लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी और मंदिर खुली, मंदिर खोलना हमारी प्राथमिकता था। योगी सरकार में कोई मंदिर में आरती ना हो, पूजा नहीं, कदापि बर्दाश्त नहीं है। कि कल ये पास में करीब 25-30 मीटर दूरी पर एक शराब का खोखा रखा हुआ है और विनोद कुमार श्री जासवाल जी का, उनका लाइसेंस है, लाइसेंस तो है लेकिन जो खोखा रखा हुआ है वो ठीक जगह पे नहीं है, जहाँ उसकी दुकान नियत होनी चाहिए। अभी दुकान का स्थान निर्धारित नहीं उसने किया है और खोखा में शराब थी, तो जिसको शाम को जनता का आक्रोश देखते हुए मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए उस दुकान को बंद करवा दिया गया है। और मंदिर नज़दीक है जहाँ पुजारी लोग आते हैं, यहाँ कुछ लोग शराब पी करके उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। हालांकि हमारे द्वारा, हमारे पुलिस के लोगों द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखी जा रही है, तो शाम को मुझे जानकारी नहीं हो पाई थी। यहाँ के पुजारी ने जो है उस दुकान को देखते हुए दुकान मंदिर को बंद कर दिया था। अभी ज्ञात हुआ तो SHO गोला द्वारा मुझे नामित करके भेजा गया है। पुजारी जी से मैंने अनुरोध किया है, आप मंदिर को खोलिए, पूजा पाठ विधान से करिए, पूजा पाठ हो रही है, पीछे थोड़ा कैमरा देख लीजिए, पुजारी जी जो है साफ सफाई करते हुए भगवान की पूजा कर रहे हैं। और तब तक ये मंदिर है क्या नाम, ये जो शराब की दुकान है बंद रखी जाएगी जब तक इसका कोई सही निष्कर्ष नहीं निकल आता है, या तो इसको कहीं निश्चित जगह इसको दिया जाए या जो भी कुछ अधिकारी शासन के लोग उसे समझेंगे तभी ये। रात में अनिश्चितकालीन के लिए मंदिर बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर शराब को लेकर, शराब की भट्टी को लेकर हो रहा था विवाद। यहाँ पर SDM और CO आकर उन्होंने कहा कि शराब की भट्टी उस मंदिर से चंद दूरी पर रखी गई है, जबकि उस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर शराब की भट्टी होनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा कि एक महंत बैठा हुआ है मुख्यमंत्री, फिर भी मंदिर नहीं हो रहा है बंद, मंदिर को अनिश्चितकालीन के लिए किया गया है बंद, इसलिए यहाँ पर मंदिर रहेगा और शराब की भट्टी को बंद करा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी से आशीष राठौर।